अवैध खनन का कवरेज करने गए पत्रकारों को बंधक बनाकर की गई मारपीट। पत्रकारों ने कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। खबर झांसी के एरच थाना क्षेत्र से है, जहां पर ढेरा बालू घाट पर प्रतिबंधित लिफ्टर मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी स्थानीय पत्रकारों को सूचना मिली कि लिफ्टर से कोई मजदूर गिर गया है, जिसे कवरेज करने पहुंचे स्थानीय पत्रकारों के साथ बालू माफियाओं ने बंधक बनाकर मारपीट कर दी, जिन्हें गाड़ी में डालकर सुनसान जगह ले जाया जा रहा था, जहां से पीड़ित पत्रकार अपनी जान बचाकर भागे और एरच थाना पहुंचे। ऐसे बंधक बनाकर मारपीट करने की सूचना अन्य पत्रकारों को हुई तो सभी थाने पहुंच गए और पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि इन दिनों झांसी में अवैध खनन जोरों पर है और बालू माफिया प्रशासन को लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व की हानि पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। वहीं पत्रकारों के संगठन ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। क्या नाम है आपका? क्या घटना हो गई? घटना तो हो गई, कृष्णचंद पाठक न्यूज़ नेशन से जिला संवाददाता हूँ। मुझे किसी अपने सूत्रों से जानकारी मिली कि जो ढेरा घाट है एरच के पास, वहाँ पे अवैध लिफ्टर से कोई गिर गया है। तो हम लोगों को जैसी सूचना मिली तो हम और राजन बुंदेला जी और गुनीश सोनी जी तीनों पत्रकार कवरेज करने गए तो वहाँ पर 15-20 लोग थे और मुकेश राजपूत, नरेंद्र राजपूत, अजय शुक्ला और हेमंत जी। तो इन लोगों ने जैसे ही देखा तो बोले अरे साहब मीडिया आ गई, मारो सालों को, वो काट के फेंक दिए। तो इनके साथ जो लड़के थे वो धारदार हथियार आवेदन ले लिए थे। इन लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया और विनीत सोनी को गाड़ी में डाल के वो मुझे और राजन बुंदेला को तीनों लोग सफ़ेद स्कॉर्पियो में ले गए, जिसमें मैं और राजन बुंदेला किसी तरह जान बचा कर भागे, जिसमें मेरी सोने की अंगूठी और 3,000 रुपये इन लोगों ने निकाल लिए। किसका घाट चल रहा है जी? घाट चल रहा है जवाहर राजपूत विधायक जी का, जी ऐसा सुनने में आया है। ऐसा सुनने में। और मोबाइल राजन बुंदेला जी का चला गया, चैन भी चली गई। विनीत सोनी का मोबाइल और विनीत सोनी का तो अभी पता ही नहीं है कहाँ है। क्या मामला है? मैं राजेंद्र बुंदेला, राष्ट्रीय सहारा पत्रकार, तहसील संवाददाता गरौठा। हमको ढेरा घाट के लोगों ने सूचना दी कि अवैध खनन चल रहा है और लिफ्टर द्वारा बालू उठा रहे हैं। तो हम एवं हमारे दो साथी साथ में हम लोग कवरेज करने ढेरा घाट पर जा रहे थे, तो टोकर के पास कुछ दबंग लोग नरेंद्र राजपूत एवं उनके अन्य साथियों ने हमें रोक के धारदार हथियार से मारा है और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और हमारे साथ हमको मार के तीनों लोगों को स्कॉर्पियो गाड़ी में डाल के अपहरण करके कहीं बोल रहे थे कि बेतवा नदी के पुल से इन लोगों को फेंक दो, निशाले मर जाएंगे। तो हम लोगों ने, हमारे साथ ही जो पप्पू पाठक हैं, हम दोनों लोग करीब 30 की स्पीड में गाड़ी से स्कॉर्पियो से कूद के अपनी जान बचा के बचे भागे हैं। और हमको बहुत ज़्यादा मारा है और उनके साथ करीब मारने वाले 15 लोग थे। क्या आपका कोई सामान गया है? हाँ, हमारा मोबाइल, एक अंगूठी और हमारी जंजीर। क्या चाहते हैं आप? हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं साथियों। अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो हम लोग गरौठा तहसील में जाके सभी पत्रकार अनशन करेंगे, धरना पर बैठेंगे। अगर और न्याय नहीं होता है तो मैं 5 दिन के अंदर अंदर अपनी आत्महत्या करने का ऐलान कर रहे हैं। मैं पत्रकारिता राष्ट्र की सहारा से तो हूँ, लेकर अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो मैं अपनी पेट्रोल डाल के आत्महत्या कर लूंगा, जो आप लोगों से कह रहे हैं। राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।